आम आदमी पार्टी में मचा घमासान गहराता नजर आ रहा है। खुद को गद्दार बताए जाने पर एएपी नेता कुमार विश्वास ने पार्टी के बड़े नेताओं पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास के मुताबिक 5 लोगों की राजमहल वाली राजनीति के लिए पार्टी का गठन नहीं किया गया था। दरअसल दिल्ली के आईटीओ में एएपी दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर लगे हैं जिनमें कुमार विश्वास को गद्दार और बीजेपी का एजेंट बताकर पार्टी से बाहर निकालने की मांग की गई है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने ऑटो वालों के साथ मिलकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कैंपेन लॉन्च की है। कपिल के मुताबिक ऑटो टैक्सी यूनियन ने केजरीवाल सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। कपिल मिश्रा ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इशारे पर एएपी नेता दिलीप पांडे और दीपक वाजपेयी ने कुमार विश्वास के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया है। एएपी नेता संजय सिंह ने एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है जिसमें पीडब्ल्यूडी की ओर से बंगला नहीं खाली करने पर पार्टी पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह के मुताबिक अधिकारियों को उनका करियर बर्बाद होने की धमकी दी जा रही है जिसकी वजह से इस तरह का नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसकी लाश को एक जंगल में दबा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बोंटा पार्क में आरोपी की निशानदेही पर 12 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने महिला का शव बरामद किया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने आपसी झगड़े को हत्या की वजह बताया है। दिल्ली के कांझावाला इलाके में शुक्रवार शाम से लापता 11वीं की छात्र जतिन का शव बरामद कर लिया गया है। गला काटकर हत्या के बाद जतिन के शव को कुर्सी से बांधा गया था। पीड़ित परिवार ने निलाटपुर गांव के 2 नाबालिगों पर हत्या का आरोप लगाया है। दोनों आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं। दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर महिला से छेड़छाड़ के आरोप में रोहिणी के रहने वाले रमेश चंद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। रमेश चंद पर हैदराबाद से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में महिला यात्री ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दिल्ली में अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने वालों के लिए बुरी खबर है। दिल्ली सरकार ने ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाने की योजना तैयार की है। पॉलिसी के ड्राफ्ट को एलजी ने मंजूरी दे दी है। घर के आगे गाड़ी खड़ी करने के दौरान नियम तोड़ने पर 2000 रुपए तक जुर्माना लगाए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर जनता की राय भी मांगी गई है। मुंबई के वसई रोड स्टेशन पर प्राइवेट टिकट विंडो पर काम करने वाली एक महिला की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नम्रता नाम की कर्मचारी टिकट लेने आई महिला से बदसलूकी करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, दबंगई कर रही महिला ने दूसरी महिला को ट्रेन से उतारने के लिए चेन भी खींच दी। मुंबई के पास मीरा रोड में रहने वाली एक महिला से ठगी का मामला सामने आया है। नोटों की बारिश करवाने का झांसा देकर बाबा के भेष में आए रजाक और गोपी गौड़ नाम के आरोपियों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों ने महिला से 7 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। मुंबई में लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए बीएमसी ने नई पहल शुरू की है। अगले 3 महीनों के अंदर मुंबई में 25,000 नए पार्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे जिसके बाद नई पार्किंग पॉलिसी के तहत कोलाबा और नरीमन पॉइंट इलाके में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लोग मोबाइल ऐप के जरिए भी पार्किंग स्पेस बुक कर सकेंगे।